लहर तो तेजस्वी का भैया, 400 पार के 500 पार अभी बार मोदी बेकार, बीजेपी बेकार, 10 रुपया 5 रुपया करके ऑटो से चला के कमाते हैं। अब बाल बच्चा को पढ़ाने में 5,000-5,000 रुपया एजुकेशन में लग रहा। नीतीश कुमार तो पलटू है, उसका तो कोई गारंटी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ये है हमारे बिहार के नेता पलटू चचा का कमाल। बदलाव हर 5 साल पर होना चाहिए, वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में। अभी तक ठीक है चल रहा है, बाकी हम लोग का ज्यादा परेशानी है। पटना में किसकी लहर है? लहर तो तेजस्वी का भैया, इस बार तेजस्वी ही आएगा। अब की बार 400 पार नहीं, 400 पार के 500 पार अभी बार मोदी बेकार, कहे बीजेपी बेकार, उसका जुमला रह गया, खाता खुलवा के बैठे, आज तक 5 रुपया नहीं आया। 15 लाख नहीं आया, 15 पैसा नहीं आया, 15 लाख दूर के बात है, कहाँ पाए भैया, गरीब आदमी है। जो 400 में गैस मिलता था वो अखनी 1,000 में गैस मिल रहा है, ये है मोदी की गारंटी। ये है मोदी की गारंटी, हम लोग गरीब मर रहे हैं, 10 रुपया 5 रुपया करके ऑटो से चला के कमाते हैं। अब बाल बच्चा को पढ़ाने में 5,000-5,000 रुपया एजुकेशन में लग रहा है, यह है मोदी की गारंटी, इसमें गरीब जनता जी रहा है, पटना का जनता जी रहा है। नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार तो पलटू है, उसका तो कोई गारंटी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। जब देखा पलरा इधर, जब देखा पलरा इधर, वो आदमी को क्या बात करना, बात उस आदमी को कीजिए जो 17 साल में नहीं किया, वो 17 महीना में करके दिखाया, युवा नेता तेजस्वी यादव। ऐसे आदमी को हम लोग सपोर्ट करेंगे और करते हैं, करते ही रहेंगे, आने वाला चुनाव में भी हम तेजस्वी को ही सपोर्ट करेंगे। तेजस्वी भैया इस बार आएंगे बिहार में, पहली बार फिर से अपना दिखाएंगे। तो जंगल राज नहीं आ जाएगा? कहाँ जंगल राज है भैया, जंगल राज तो अब है, जंगल राज तो अब है, पहले कहाँ जंगल राज था, क्या चीज का जंगल राज था, कोई चीज के बारे में बताइए कि जंगल राज था। जंगल राज अब है भैया, एक सवारी ज्यादा बैठा लेंगे तो 5,500 रुपया फाइन है, ये क्या चीज का नियम है भैया, 3,600 रुपया फाइन। आज बस से एक्सीडेंट होता है, बस को क्या बोलता है, सीट बराबर सवारी लेने के लिए बोलता है। ट्रेन से एक्सीडेंट होता है, ट्रेन को बोलता है हर बोगी में टीटी रखने के लिए। ऑटो में साला एक ऑटो पलट गया तो उसमें हो गया क्या कि 3 को सवारी लेके चलना है, 3 को सवारी में पेट भरेगा, 4 को बाल बच्चा है, जोरू है, हम है, माए बाप है, पेट भर जाएगा। 3 को सवारी में 25 रुपये किराया है पटना सिटी से पटना जंक्शन का, 75 रुपया में जाएंगे, 1 घंटा में जाएंगे तब आएंगे, तब 75 रुपया कमाएंगे भैया। तो हम ऐसे आदमी को क्यों वोट दें, अपना मूल्य वोट उसको क्यों दें, जो मेरा मन भरेगा उसको वोट देंगे। वैसे तेजस्वी यादव इस बार उनकी लहर बहुत अच्छा है और आएंगे भी, और तेजस्वी सरकार बनाएंगे भी, और बहुत अच्छा बहुमत से बनाएंगे। ये मेरी जनता की, खास करके हम ऑटो ड्राइवर कमाने खाने वाले के लिए एकदम उनके लिए पूरा सपोर्ट है भैया। ऑटो ड्राइवर्स को लालू पसंद है? हाँ, लालू नहीं, लालू नहीं, तेजस्वी अब बदल, तेजस्वी पसंद है, क्योंकि युवा नेता चाहिए, इस बिहार को विकास करने वाला युवा नेता चाहिए, कोई लल्लू पंजू नेता नहीं। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि लालू के बेटे जो मुख्यमंत्री बने तो फिर से वही जंगल राज यहाँ पर आ जाए। पहले बनने तो दीजिए, बाद में हो तो बोलने वाले तो जुमला बहुत बोले, तो मोदी भी बोले थे कि आपका एक बार मोदी सरकार बनेगा सब विकास होगा। क्या विकास हुआ, 400 का गैस 1,000 में मिल रहा है, 60-74 रुपए लीटर वाला पेट्रोल आज 100 से पार मिल रहा है, तो क्या हुआ? क्या बोल रहे थे आप? वही जो हमारा भाई साहब बोले है कि एसपी यादव एकदम तैयार रहेगा, एकदम इस बार वही जीतवे करेंगे, क्या करेंगे, लहर उसी का इस बार लहर एकदम। बाकी आप क्या बोल रहे थे कि ऑटो वालों को क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत है सर, हम लोग को यही दिक्कत है जो जो पैसेंजर 3-3 को बैठा करके ले जाते हैं, हम लोग को पेट नहीं भरता है, इधर सिपाही तंग करता है दुनिया भर का, सिपाही सब इतना तंग करता है जो क्या कहे आपको, एगो पैसेंजर ज्यादा बन जाएगा 1700 का फाइन काट देगा, बहुत तबाही में हम लोग को डाल दिया है सब ऑटो वाले को। भैया आप क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आपके, हाँ भाई साहब बोल रहे थे, तो क्या लगता है आपको भी तेजस्वी की लहर आप चल रही है इधर? बाकी आप लोग तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, पटना पूरा घूमते हैं, क्या माहौल चल रहा है, सुनते भी हैं? उसी को नाम अच्छी ले रहा है सर, मोदी जी जो है वो भी तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, राशन मिल रहा है पूरी तरह से, आयुष्मान योजना बना है, शौचालय बना है, ये तमाम योजनाएं चल रही है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है? गरीब आदमी के लिए सब, बड़का आदमी के लिए बना रहे हैं, गरीब के लिए, गरीब के लिए नहीं बना रहे, गरीब के लिए कुछ नहीं बना रहे। भैया आपको क्या लगता है? हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि हम बिहार के जनता हैं,
ये पटना जंक्शन है, बिहार का राजधानी है, ये नीतीश बाबू से पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने जो यात्री आते हैं पेशाब करने के लिए जगह कोई बाथरूम ऐसा है, जो कि पटना जंक्शन है बिहार का नाक है, राजधानी है, एगो बाथरूम नहीं है यहाँ पे। ये है हमारे बिहार के नेता पलटू चचा का कमाल, एक बाथरूम नहीं मिलेगा भैया। आप प्रेस वाले हैं, आपको भी भगवान न करे अभी आपको लहू शंका लग जाए तो आपको सोचना पड़ेगा। इतनी सी लेडीज लोग जा रही आ रही, आप किसके सामने अपना सोच कीजिएगा, कहाँ पे कीजिएगा। स्वच्छ भारत चल रहा है, ये स्वच्छ भारत नहीं है, सबसे गंदा भारत है। अगर ये देखना तो देखिए, नहीं तो राजेंद्र नगर बहादुरपुर पुल के नीचे जाके देखिए, इतना इतना आज भी पेशाब जमा हुआ है भैया, पानी लगा हुआ है, पानी नहीं है, पेशाब है। यात्री यात्री उतरते हैं ट्रेन से, सोच करते हैं, सोच का पेशाब जो है नाला के द्वारा रोड पर आ रहा है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर शौचालय लगा था, ये लगा भी है, खत्म ही हो गया, ना चालू हुआ ना कुछ हुआ। पैसा तो फंड का पास हो गया, पैसा तो सब अपना अपना ले लिया, यही पे बना था भैया, एक ये पट्टी बना था, एक वो पट्टी बना था। पेशाब नहीं कैसा होता है, पेशाब कैसा करने वाला, हम आज तक उसको देखे नहीं। टंकी लग गया लेकिन धोने के लिए पानी नहीं आया। ये है बिहार, ये है पलटू चचा का सरकार। इसी में बोलते हैं कि हमको जिताओ, हमको जिताओ, इस बार नहीं है, पलट गया जनता सब। अब सबको दिमाग आ गया कि जनता क्या चाहता है, इस बार बदलाव होगा तो होगा। इस बार नहीं चाहिए बीजेपी, न चाहिए जदुई, इस बार चाहिए आरजेडी, आरजेडी ही रहेगा। चलिए आपको भी लगता है कि आरजेडी ही रहेगा? आरजेडी ही आएगा सर। हाँ तेजस्वी आएगा, तेजस्वी की लहर है। जी हाँ, लहर पूरा बिहार में आएगा। तो तेजस्वी आएंगे तो महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे, जो केंद्र में उनकी अगर सरकार आती है, राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार आती है, पहले भी चला है सरकार कांग्रेस। नहीं तो जब मैं बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से तो वो कहते हैं कि मोदी के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। बोलेंगे सर बदलाव हर 5 साल पर होना चाहिए, वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बदलाव होना ही चाहिए। एक नेता को हमेशा जो है मोदी तो मोदी, बिहार में जो राज्य में जो है नीतीश तो नीतीश, लालू तो लालू, नहीं हर 5 साल पर जनता को चेंज करना चाहिए, इसमें बदलाव होगा। कभी विकास नेता को हमेशा चिंते रहिए, बनाते रहिए, कुछ बदलाव होने वाला नहीं, सिर्फ गरीब ही जाएगा इसे। और तभी विकास संभव है जब 5 सालों में परिवर्तन होगा, तभी होगा। क्या माहौल है चाचा, आपको क्या लगता है इसकी लहर है पटना में? ये तो हम अभी नहीं बता सकते, रह छुपा रहे हैं। छुपा क्या रहे भैया, सही बोल रहे हैं। तेज प्रताप आवेगा, तेज प्रताप कहाँ से आ जाएगा? लालू जी के आवेगा, लालू जी के लाल आवेगा। हाँ लाले आवेगा। हाँ मोदी जी नहीं आएंगे? ना ना, वो बड़ी महंगा कर दिया बाप रे, चावल धान 30 रुपए किलो कर दिया, प्याज 100 रुपये कर दिया, 80 रुपये 60 रुपये, करवा तेल कर दिया 100 रुपये, कल रहेगा वो सरकार, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि गरीबों की सरकार है मोदी सरकार। वो तो कहते हैं कि एक प्लेट चावल जो खाता है वो गरीब कहाँ है, होटल में एक प्लेट चावल खा रहे हैं तो हम गरीब कहाँ, वो तो सीधा जवाब ही देते हैं। एक प्लेट चावल खाने आदमी के कितना परिश्रम कर रहा पड़ रहा है, वो तो जज कर रहा है परिश्रम, वही ना जानता है तब जाके पेट भरता है एक प्लेट में। तभी कहते हैं कि वो अमीर है। हाँ तैयो कहते हैं कि वो अमीर है, दिन भर मेहनत करके खाता है। हाँ तब कहते हैं कि वो अमीर है। तो जब दूसरी सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, पक्का लग रहा है? एकदम पक्का कम होगा, कुछ ना कुछ जरूर घटेगा। एकदम राहुल गांधी ने कहा है कि एकदम खटाखट गरीबी एकदम दूर कर देंगे, जे कहे लेकिन कुछ कम जरूर होगा। वही तो, ये तो वही बात होगा जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसी सरकार बनी 15 लाख खाते में एकदम फटाक से आ जाएगा, वो सब झूठ बात बोलेंगे, राहुल गांधी वाला भी जुमला हो जाए, सारा गलत बात है, सब झूठ बात है, सब झूठ बात है। राहुल सरकार बने इस बार, उसका मौका नहीं दिया जाए। किसको मौका नहीं दिया जाए? बीजेपी के। अच्छा आज से 10 साल पहले आपको कैसा लगता था कि बढ़िया था? वो ठीक था उस दिन। अच्छा उस समय ठीक था? उस दिन ठीक था। अच्छा ये दिन बेकार है। तो ऐसा क्या हो गया, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा रहा है कि बेकार? महंगाई इतना हो गया, महंगाई इतना हो गया, गाड़ी गाड़ी का गाड़ी, यहाँ का सरकार है जो पलटू राम जो है, पलटू राम जब कोकरा में जा रहा है, जब कोकरा में जा रहा है बोलता है ऑटो पर 2-3 गो सवारी बैठा, वो एसपी और 3 गो सवारी, जब 3 गो सवारी बैठा देंगे हम तो हम कैसे कहाँ से बाल बच्चा कम आएंगे, तो ये करे पड़ेगा। मैं कहता टेम्पू वाला छीनता, टेम्पू वाला छीने के कारण है ना प्रशासन तंग कर रहा है, प्रशासन जो जहीं जहीं एक फाजी रहता है 500 फाइन, 5000 फाइन फाइन कर देता, 5000 फाइन हम कहाँ से भरेंगे, गरीब आदमी चाहे बाल बच्चा प्रवेश करेंगे फाइन भरेंगे, कहाँ से प्रवेश करेंगे हम सबके लेके।